हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महेश बाधवानी सहारा प्रतिनिधि की हमारे पास एक और शिकायत आई है। तो दोस्तों, शिकायत सुनाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि थोड़ा आप हमारी वीडियो पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त सहारा के एजेंट कितने परेशान हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि महेश बाधवानी की क्या शिकायत है। इनका कहना है कि मैंने सहारा में लोगों का 2 करोड़ रुपया निवेश कराया है, भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहा जाता है कि फंड आएगा तो भुगतान करेंगे। कई बार कार्यालय में तालाबंदी व विरोध जताया, लेकिन आरएम और एरिया चीफ गोलमोल जवाब देकर गायब हो जाते हैं। लोगों का इतना दबाव है हमारे ऊपर कि यहाँ दोस्तों इनका कहना है कि हमारे ऊपर लोगों का इतना दबाव है, जिनकी एफडी आरडी इन्होंने सहारा म्यूचुअलिटी फंडों में डाली गई हैं, तो उनके एजेंटों के ऊपर इस कदर दबाव निवेशकों का है कि वह सुबह शाम घर के चक्कर लगाते हैं और पूछते हैं कि स्थिति यह है कि अब घर में परिवार के साथ रहना मुश्किल हो गया है। महेश बाधवानी, सहारा प्रतिनिधि, लाखे नगर। अगली शिकायत है, यह फाइनेंशियल मामला है। पीड़ित महा दस्तावेज हमारे पास है। शिकायत लेकर आए, मामले की जांच कर रहे, एफआईआर दर्ज की जाएगी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रफुल्ल ठाकुर, एसपी रायपुर। अगली शिकायत है, कुछ कारणों लोगों को समय का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कुछ कारणों से लोगों का समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, यह बात सही है। सभी का भुगतान होगा, 2 से 3 दिन के भीतर सभी मैच्योरिटी धारकों का पैसा मिल जाएगा। वीके शर्मा, जोनल चीफ सहारा इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया के जोनल चीफ का कहना है, कुछ कारणों से लोगों का समय पर पैसा नहीं मिल पाया, यह बात सही है। सभी का भुगतान होगा, 2 से 3 दिन के भीतर सभी के मैच्योरिटी धारकों का पैसा मिल जाएगा, ऐसा कहना जोनल चीफ सहारा इंडिया का है। यहाँ दोस्तों ये कहना वीके शर्मा का है। देखना यह है कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क होता है। इधर दीपावली का शुभ त्यौहार है और ऐसे त्योहारों पर निवेशकों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर पैसा होता है निवेशक वहीं को देखते हैं। तो दोस्तों देखना यह है कि इनकी 2 और 3 दिन कब पूरे होते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ अगर आपको पसंद आए तो हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।